मुकदमे में फरार चल रहा वांछित आरोपी रवि गुप्ता गिरफ्तार। राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में चल रहा था फरार। फर्जी आईपीएस बनकर पुलिस को दे रहा था चकमा। रेनवाल थाना प्रभारी ने विशेष टीम का गठन कर वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दास शर्मा के नेतृत्व में मुकदमे में फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दास शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू लक्ष्मण दास स्वामी सांबर लेक सीओ राजेंद्र सिंह रावत एवं रेनवाल थाना प्रभारी अनिल सिंह तंवर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में रेनवाल थाना प्रभारी अनिल सिंह, एएसआई भीवाराम, एएसआई कैलाश चंद, कांस्टेबल प्रकाश चंद, राजेंद्र एवं हजारीलाल सदस्य की एक टीम गठित की गई। इस टीम ने रविवार को 3 घंटे की मेहनत के बाद रवि गुप्ता पुत्र केशव गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 15 किशनगंज रेनवाल को उसके निजी कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि रवि गुप्ता पर राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज है तथा सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने व गाली गलौज करने का मामला भी दर्ज है। इस मामले में कई दिनों से यह आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि रवि गुप्ता अपने निजी कार्यालय पर आया हुआ है, तो पुलिस ने हाजा के तहत रवि गुप्ता को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस रवि गुप्ता के खिलाफ रेनवाल थाने में 4 माह पहले विधवा के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि रवि गुप्ता फर्जी सीबीआई का आईपीएस अधिकारी बनकर पुलिस को कई बार गुमराह कर चुका है। रवि गुप्ता अपनी शान और शौकत के दम पर गुमराह वह पुलिस को चकमा देकर बार बार बचकर निकल जाता था। अनिल सिंह तंवर ने बताया कि रवि गुप्ता के पिता केशव गुप्ता भी जलदाय विभाग के पाइपलाइन घोटाले में 3.5 साल से फरार चल रहा है। केशव गुप्ता को एसीबी पुलिस तलाश करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान। Snow Music Studio.